बनाना है कुछ चटपट से और ख़ास और हेल्दी, तो चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आ गया हूँ एक ऐसी इंस्टेंट खिचड़ी जो आपको हमेशा रखेगी भरपेट। जी हाँ, स्वागत है मेरे होम किचन में। मैं हूँ अशोक टंडेल, लेकर आया हूँ एक क्विक खिचड़ी की रेसिपी जो आप शायद एक बार खाने के बाद रोज़ खाएंगे। जी हाँ, बनाना बहुत ईजी है, बस कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हेल्थी फूड खाने वाले के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बनाना तो बहुत ही आसान है। जी हाँ, आप कभी भी कहीं पर जा रहे हो, आपकी देर हो गई है, तो ये बना सकते हो। तो ये शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है, उसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा। जीरा को हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे ताकि फ्लेवर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे 1 चम्मच जितना ऑयल डाल के थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे प्याज। जी हाँ, मैंने आधा प्याज लिया है, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे। प्याज को भी जीरे के साथ स्टर कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी नहीं खाना चाहते हो तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हो। हल्दी पाउडर डाला है जो उसकी जान है। उसके बाद मैंने टमाटर डाल लिया है, उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल लिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैंने चावल और मूंग दाल थोड़े भिगो लिए थे ताकि जो खिचड़ी है हमारी बहुत ही सॉफ्ट बने। जी हाँ, अच्छे से कुक होने के बाद उसमें चावल और जो मूंग दाल जो भिगाए थे हम लोग ने उसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी लगभग मैंने 2 ग्लास लिया है। और उसके बाद अब बारी है देसी घी की। देसी घी का फ्लेवर खिचड़ी में बहुत ही अच्छा है, उसे कभी भी स्किप मत कीजिएगा। और धनिया डाल के उसको थोड़ा फाइनल स्टर कर लेंगे ताकि सब मसाले और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बारी है उस प्रेशर कुकर को ढकने की। उसको ढक लेंगे और लगभग 3 से 4 सीटी तक हम लोग उसका वेट करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। देख सकते हो आप खोल के एक बार, लेकिन यहाँ पे लगभग 4 सीटी में वो तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो खिचड़ी है वो बहुत खूबसूरत बनी है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप उसे कभी भी एंजॉय कर सकते हो, दोपहर में या रात को डिनर में। बहुत ही ईजी है बनाना, जो स्पेशली जिसके पास टाइम नहीं होता है, जो काम पे जाते हैं या स्टूडेंट है, उसके लिए तो बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चटनी बना ली, अगर आप खाते हो तो बना लीजिए, नहीं तो सलाद में भी आपको उसके साथ में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।